दोस्तों, मैं LG की टीवी की कुछ प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें जिसके पास भी LG की टीवी है उनको जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है और मैं इसके लिए काफ़ी टाइम तक परेशान भी रहा हूँ। फाइनली मुझे जो पता लगा तो मैंने कहा शायद मैं दूसरे लोगों से शेयर करूँ इसको। एक्चुअली मैं आजकल की जो स्मार्ट टीवी आ रही हैं उनमें सबसे अच्छी चीज़ें जो मिल रही हैं वो इंटरनेट है, यानी वाईफाई, और दूसरा स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन शेयरिंग से जिससे हम मोबाइल डायरेक्ट टीवी से कनेक्ट कर देते हैं और अपने मोबाइल स्क्रीन को हम टीवी पे देख पाते हैं। मेरे पास ये टीवी जो LG का है, ये स्मार्ट टीवी है, एंड्रॉयड कह सकते हैं, स्मार्ट टीवी कह सकते हैं। इसमें वो सारे फीचर्स हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ और उसको लेकर के मैंने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारी जगह मैंने पता किया और इंटरनेट पर काफ़ी कुछ देखा। पहले मुझे लगा था ये सिर्फ प्रॉब्लम कुछ सेटिंग की प्रॉब्लम है, मैंने हर तरह से सेटिंग की, अपडेट के लिए कुछ लोगों ने बताया, मैंने अपडेट किया टीवी को, क्योंकि इंटरनेट नहीं चल रहा था इसलिए मैंने USB के थ्रू, अपनी पेन ड्राइव के थ्रू इसका सॉफ्टवेयर मैंने नेट से डाउनलोड करके और फिर पेन ड्राइव लगा के मैंने अपडेट किया। अभी इस टीवी के अंदर एकदम लेटेस्ट वर्जन सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या है। हमारा ये टीवी का जो रिमोट है, इस रिमोट को आप देख सकते हैं, ये रिमोट में सेटिंग की बटन होती है सबसे ऊपर स्टार की तरह जो आप देख रहे हैं। मैं इस बटन को प्रेस करूँगा, ये इस बटन को, और ये मेनू खुलेगा। इस मेनू में सबसे नीचे जब हम आएंगे तो इसमें हमें ऑल सेटिंग्स मिलती है। ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद जब हम अपने नेटवर्क में जाते हैं और वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं कि हम वाईफाई कनेक्ट करें और ऑनलाइन हो जाएं, नेट चलाएं, तो हम नेटवर्क में जाते हैं। क्लियर से देखिए आप सब लोग, नेटवर्क में जाते हैं और नेटवर्क में जा करके सबसे पहले टीवी नेम आता है, उसके बाद वायर्ड कनेक्शन आता है और वाईफाई कनेक्शन आता है। जब हम इस वाईफाई पे कनेक्शन क्लिक करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि जो भी वाईफाई अवेलेबल होगा वो यहाँ शो करना चाहिए। बट जब ये प्रॉब्लम हो जाती है तो आप देखिए किस तरह का मैसेज, जब मैं इस बटन पे, मैं इस पे ओके करने जा रहा हूँ, ये मेरा रिमोट है, मैं इस पे ओके करूँगा, ओके करा और मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। आप इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं ठीक से, ये मैसेज है, इस मैसेज को मैं फेस कर रहा हूँ और इसके लिए काफ़ी हद तक इस पर पढ़ने के बारे में पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये प्रॉब्लम कोई सेटिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। इसके लिए आप LG के कस्टमर केयर पर बात करके उसको बुला सकते हैं, आपके घर पे आकर के वो ठीक कर सकता है, नहीं तो आप किसी भी मैकेनिक को जिसको आप जानते हो जो टीवी रिपेयर करता हो, आजकल की टीवी जो एंड्रॉयड टीवी आ रहे हैं उसको बुला करके आप इसे रिपेयर करवा सकते हैं। एक्चुअली में इसका एक पार्ट होता है जो ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि जब मैं बैक कर देता हूँ वापस अपनी स्क्रीन पे, और ये सेटिंग सेटिंग के पास में एक जो ये वाले रिमोट के बटन है, मैं इसे जब प्रेस करता हूँ तो इसमें तीन तीन मेन्यू खुलते हैं, जिसमें AV, TV एंड स्क्रीन शेयर। ये स्क्रीन शेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही ये चीज़ें जुड़ी होती हैं। जब मैं इसे ऑन करता हूँ तो मैं अपना फ़ोन ऑन करूँगा और फ़ोन में मैं कास्ट पे जाऊँगा या स्क्रीन शेयर पे जाऊँगा और उसे ढूँढूँगा, मेरा टीवी उसमें भी सर्च नहीं हो पाएगा, ये टीवी उसमें शो नहीं करेगा। वो इसलिए शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें वही कुछ पार्ट्स की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वाईफाई और स्क्रीन शेयर दोनों की ही प्रॉब्लम आती है इसमें। तो मेरा ये फीचर भी काम इस वक्त नहीं कर रहा है, और जिसमें भी जिसकी भी LG की टीवी में या किसी और टीवी में इस तरह की प्रॉब्लम है उसमें यही प्रॉब्लम आने वाली है कि कोई भी सेटिंग नहीं है। इसलिए टाइम ख़राब करना बेकार है, सेटिंग करते रहें। मैंने भी काफ़ी टाइम ख़राब किया और सेटिंग में जा जा के हर तरह की सेटिंग की। अभी जो इसका जो लेटेस्ट अपडेट है मैंने वो भी इसे अपडेट कर दिया USB के थ्रू, जैसे कि मैंने बताया था, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं ये एकदम लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है इसमें, लेकिन उसके बाद भी ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है। अबाउट दिस टीवी
टीवी में जाएंगे और यहाँ पे आप देखिए ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है 5058025, तो ये एकदम लेटेस्ट है इसलिए अपडेट की ज़रूरत नहीं है। पहले मुझे लगा था शायद अपडेट नहीं है इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, बट ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, जब इसका पार्ट्स बदला जाएगा तभी ये प्रॉब्लम दूर होगी। ये आपका वाईफाई कनेक्शन एंड एक बार मैसेज आप दोबारा देख लीजिए, होपफुल कि आप लोगों को ये वीडियो कुछ काम की हो और